नायरी जेबी साथियों, अकेला जी ने अकेले ही कुछ कर दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये आप लोगों को सोचने दत्तु प्रसाद जी बैठे हैं, रेणुका जी ने सॉरी अर्चना जी ने प्रोग्राम किया और रेस्पेक्टेड बंदे जी ने बौद्धन एक रिलीजियन के तौर पे सब मानते हैं। यहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे हम बातें जीवन का मनुष्य का जो जीवन के बातें कर रहे हैं, जो आज के बातें कर रहे हैं। खुशी लग रहा है क्योंकि मैंने कहीं एक पढ़ा था कि बाबा साहेब ने ये बताया था कि ये बौद्ध एक रिलीजन नहीं है, ये एक कोड ऑफ मोरालिटी है। इंसान को जीने के लिए, इंसान का दुख दूर करने के लिए ये कोड है, आप कैसे बिहेव करना है। मैं ईसाई धर्म का हूं, मेरा धर्म 600 साल के बाद आया है, 600 साल पहले बौद्ध धर्म आए और मेरे धर्म में जहां पे ये धर्म है शुरू किए थे जीसस ने, ईसा मसीह ने जहां पे जन्म लिए थे वहां पे कानून कुछ और था, अगर एक आंख फोड़ा तो दूसरे का दोनों आंख फोड़ो, एक हाथ कटा तो दोनों हाथ काटो, ये कानून वाला जगह पे भी जाने अनजाने में बौद्ध धर्म का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वही कानून बन के रह गया। अब ये कैसे वहां पहुंच गए मुझे नहीं पता है। दुनिया में काफी सारे लिटरेचर है जो बताते हैं ईसा मसीह इंडिया आए थे, यहाँ आके सीखे गए थे, सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। ईसाई वो भी वो मानते नहीं है। और आप कश्मीर में जाएंगे तो आपको एक खबर मिलेगा, बोलता है ईसा मसीह क्रूस से उतरने के बाद यहाँ आके जिए थे और कश्मीर में आज भी एक खबर है ईसा मसीह का नाम। हमारे देश में कोई ज्यादा लोगों को नहीं पता, मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बीजेपी का जो बड़े बिल्कुल गलत आदमी है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, फिर भी उस इंसान ने ये बात में बातें किताब में भी लिखी है। उसका मैंने खुद देखा था, वहां जा नहीं सकता आमतौर पर, मैंने वहां जाने के लिए बहुत मतलब कोशिश नहीं गया, वहां गया और जाने के लिए बहुत दिक्कत है, एक गली के अंदर है, आमतौर पे कोई लेके नहीं जाता, कुछ कनेक्शंस निकाल के फिर वहां पहुंच के वो देख के आया। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी रिलीजन हो अगर इंसान को जीने के लिए नहीं सिखाते तो वो कोई रिलीजन नहीं। कोई रिलीजन अगर इंसान को अलग अलग बांटने के लिए बने हैं वो सही रिलीजन नहीं है। यहां पे आज रिलीजन को वो बनाया है एक दूसरे को मारने के लिए, क्या उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठ रही है। अभी ये यहां का बात का विषय नहीं है, मगर इस देश का आज का संकट है और इससे किसको नुकसान हो रहा है। नुकसान उनको हो रहा है जो इस देश का सबसे नीचे तबका लोग है और बहुजन समाज के 90% लोग आज समाज के इकोनॉमिकली एजुकेशनली सोशली सबसे नीचे तबके। तो किसका नुकसान हो रहा है आजकल? अगर इसी समाज का नुकसान हो रहा है तो हम लोग एक दूसरे को उंगली देने में या चाबी देने में क्यों लगे हुए हैं? माफ करना मेरा भाषा थोड़ा सा हिंदी में जब बोलते हैं तो ज्यादा इतिहास या क्या बोलते हैं लिटरेचर हिंदी में पढ़ा नहीं, आमतौर का जो सुने सुने भाषा ही यूज करें। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक समाज का सबसे नीचे वाला जो
मनुष्य, उनको इंसान का दर्जा नहीं मिलता है तब तक देश देश नहीं बनते। इस देश में पिछले 3 साल से अगर आप देखें, 4 साल से देखें, तो जो सबसे नीचे वाला जो लेबर क्लास है उनका क्या हालत बना रखी। सरकार में लाखों में जो जॉब है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बदला जाए, सरकार से 15,000-18,000 निकलते हैं, उस लेबर के पास पहुंचते हैं 8,000-9,000। ये सारे जो काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर किस समाज के है, किसी ने कभी सोचा है? कोई ब्राह्मण को आप देखे हुए हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कहीं नौकरी करते हुए? कोई बनिया को देखे हुए? ना तो कोई ठाकुर भी मैंने नहीं देखा। ये सब बहुजन समाज के लोग थे जो क्लास 4 एम्प्लॉइज थे। सरकार में, केंद्र सरकार में हो, स्टेट सरकार में हो, जितना भी पब्लिक सेक्टर में थे, उनको हर महीने आज का डेट में करीब 30,000 के आसपास मिलता है सरकार में जो नौकरी है। वो नौकरी सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर में दिए, उनको आज का डेट में दे रहे 12,000 या 13,000, और उसमें भी कितना घोटाला है ये मैं अभी गिनना नहीं चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अकेले ने शुरुआत की, हो सकता है किसी को वो नेगेटिव मोड में चला गया हो। तत्व प्रसाद जी इधर बैठे हैं, अर्चना जी इधर बैठे हैं, दोनों उसको पॉजिटिव लाइन में ले जाएंगे। युवा नेता लोग बैठे हैं, आप सब एक साथ जब तक नहीं मिलेंगे ये समाज ऊपर नहीं जा सकता। कांचीराम जी ने ये बताया था कि ये मेरा समाज बिकाऊ समाज नहीं होना चाहिए, इसका दायित्व हम सब एक एक के हाथ में, बिकना बंद कर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, धन्यवाद।